दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल की डेट में पैन कार्ड कितना जरूरी हो चुका है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वहाँ पे आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, यानी कि बहुत सारे ऐसी जगहों पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप बनाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप 5 मिनट से कम टाइम में कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, कुछ दिनों पहले तक हम जब पैन कार्ड बनाने जाते थे तो हमसे 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक लिए जाते थे, और उसके बाद भी पैन कार्ड 1 महीने का टाइम लग जाता था हमारे घर तक आने में, और काफ़ी टेंशन भी होती थी। उसके लिए हमें एज प्रूफ भी देना पड़ता था, एक फॉर्म भी भरना पड़ता था, फ़ोटो भी लगानी पड़ती थी, यानी काफ़ी झंझट का काम होता था। मगर अब आप पैन कार्ड बना सकते हो 5 मिनट से कम टाइम में, वो भी बिना कुछ डॉक्यूमेंट दिए हुए, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना। नॉर्मली आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बस। अगर आपके पास इतना है तो आपका पैन कार्ड 5 मिनट से कम टाइम में बन जाएगा, वो भी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, मगर इसमें आपको सिर्फ डिजिटल पैन कार्ड मिलेगा। डिजिटल पैन कार्ड वो पैन कार्ड की आप ऑनलाइन उसको देख सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल के किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। मगर उसकी जो हार्ड कॉपी होती है, या जिसे कहते हैं फिजिकल कॉपी होती है, जब आप उसे घर पे मंगाओगे तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप ना भी मंगाओ तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट यूज़ करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है पैन कार्ड बनाना, और ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इसका प्रिंट निकाल के। तो दोस्तों, आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार आप पैन कार्ड 5 मिनट से कम टाइम में बनाओगे, तो ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल पे। न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उस ब्राउज़र में आपको लिखना है www.incometaxindiafilling.gov.in। जब आप ये सर्च करोगे, आपके साथ पैन कार्ड की यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये वेबसाइट खुल गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गेट न्यू पैन और चेक स्टेटस। तो अभी हम नया पैन कार्ड बना रहे, तो गेट न्यू पैन पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरने को कहा जाएगा, नॉर्मली इसमें कुछ करना नहीं है। निर्मली आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरना है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, आई कन्फर्म दैट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। मगर एक बात याद रखिए, ये पैन कार्ड इंस्टेंट आप तभी बना पाओगे जब आपके आधार कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया, अब मेरा OTP आने वाला है। OTP आ चुका है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने OTP डाल लिया दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको करके यहाँ पे टिक कर देते हैं, आई एग्रीड कि मेरा ये सारा कुछ सही है, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये कुछ प्रोसेसिंग लेंगे, और यहाँ पे आपके आधार कार्ड्स की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ आपका आ जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मली आपको आई एक्सेप्ट दैट पे क्लिक करना है, और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट ईमेल ओके कर देना है, और आपकी ईमेल कार्ड पे भी आपकी OTP आ जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि आपकी ईमेल आईडी होगी उस पे भी आपका OTP आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे हो गया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे ऊपर थैंक यू, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इस नंबर को आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यह भी कहीं पे लिख लेना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपके सामने मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि इस नंबर की एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आप चेक कर सकते हो अपने रिक्वेस्ट को, स्टेटस को, यहाँ पे क्लिक करके।
जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टेटस को भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा पैन कार्ड ये बना है या नहीं बना है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है और उसके बाद नॉर्मली आपके सामने आ जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको भर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे OTP डालने का नंबर आ गया है, तो मैं नॉर्मली OTP यहाँ से लिख लेता हूँ 81 और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड पैन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो मेरी डाउनलोडिंग चालू हो गई है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे पासवर्ड डालने को कह रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपका पासवर्ड नॉर्मली वो होगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि आपका जन्म 1 जनवरी 1996 में हुआ है तो आपका पासवर्ड होगा 1/1/1996, ये आपका पासवर्ड होगा दोस्तों, और आपका पैन कार्ड बन गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंस्टेंट पैन कार्ड बनके रेडी हो गया है। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही अपना पैन यहाँ पे बना लेना है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैन कार्ड बनाना कितना आसान है। इसे आप 5 मिनट से कम टाइम पे भी बना के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी जो इसका पार्ट होगा वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजिकल पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करोगे। अगर ये वीडियो पसंद आ गई, इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ।